अंकुर जी यहीं पर बैठे हुए रात से, पता नहीं इनको यहाँ पे क्या मजा आ रहा है। बाहर का व्यू देख रहे हैं, बड़े मजेदार है, ये देखिए धुंध छाई हुई है। आपके साथ सफर करके तो मजा ही अलग आ रहा है मुझे। कौन है आपके पीछे? मैं नहीं, बाथरूम बाथरूम है, बाथरूम है। जय माता दी। तो आज है तारीख 1 सितंबर 2024 और दिन है रविवार का, यात्रा का दिन हमारा शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ मौसम की जानकारी भी देते हैं। आज मौसम जो है बिल्कुल खतरनाक, धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, महसूस हो रही है। आज कुछ इसी प्रकार से पूरा दिन मौसम रहने वाला है, बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं आज, किसी प्रकार से कोई रुकावट नहीं हेलीकॉप्टर की सर्विस के अंदर। और उसके अलावा बात करते हैं हम बैटरी कार की सुविधा की, रोपवे की, बिल्कुल पूरे दिन अच्छे तरीके से चलती रहेगी। इसके बाद आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं अपने जम्मू मेल का पूरा सफर। तो इस पूरी वीडियो को जरूर देखना, हमारा इंटरेस्टिंग सफर किस प्रकार से रहा वो इस पूरी वीडियो के अंदर एंड तक जरूर बने रहना। और बस पुलिस की गाड़ी लेके आऊं? पुलिस की गाड़ी किंडर जो है बस। ओके बाय। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। तो आज है तारीख 31 अगस्त 2024 और एक बार फिर हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर। देखिए यात्री भी हमारे साथ साथ निकल रहे हैं। सभी हमारे साथ है सुमित सेठ जी, जो हमेशा हमारी टीम के साथ रहते हैं, लोकेश सिंह ब्लॉग, और हमारे साथ मित्र धनंजय, धनंजय के साथ इनके मित्र, और ये देखिए चिंटू स्टार हमारे, और शुभम भूरिया जी झारखंड से स्पेशल आए इस यात्रा को करने के लिए। इनके साथ साथ तकरीबन 500 लोग हमारे साथ इस यात्रा के अंदर जुड़ने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी भवन पर। उनसे सबसे मिलाएंगे आपको कल ही। अभी यात्री तो आते जाते रहेंगे लेकिन मेरी आवाज शायद आ रही होगी आपके पास। तो सबसे पहले हमारे बर्थडे बॉय को देंगे। हाँ जी ये लो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू बोलो। ये लो खाओ रसगुल्ले। तरुण जी को हम अपने हाथ से खिलाएंगे, इन्होंने अपने घर भी बनाए। ये थोड़े से डायबिटिक है तो इसलिए इनको डर लग रहा है। नंबर पूछे आपने 94 नहीं 51 बोली थी, 51 बताओ क्या बोल रहे थे 51 वाले? अरे चलो कोई बात नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बढ़िया। अभी हमारे थर्ड एसी के लग रहा है, थर्ड एसी वाला कुछ माहौल है नहीं, जनरल वाली फीलिंग है, जनरल वाली फीलिंग है। यहाँ तो साफ लग रहा है, यहाँ पर एकदम क्लीन, बढ़िया जी बढ़िया, साफ सुथरा है, कमर भी ठाक ठीक है, इधर वैक्सीकल है और इंडियन क्लियरिटी तो है, साफ सुथरा तो है, वॉशरूम वगैरह तो साफ है। जी साहब क्या खा रहे हो? पूरी गाड़ी में डाल दूँ। ये देखिए ये पूरी दिख भी गई है आपकी। हाँ जी आप कह रहे हो, आप भी बता दो। पूरी 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 देखिए, इधर भी खाना पीना चल रहा है सबका, कोई पोहा खा रहा है, कोई पूरी खा रहा है, कोई आलू के पराठे खा रहा है। ये हमारे कारो साथ, ये देखिए आलू के पराठे। और हम खा रहे हैं आलू के पराठे, खा रहे हैं चीड़ के चार के साथ। क्या
ये कंबल मिला है देखो, ये फटा हुआ कंबल मिला है रेलवे का, ये देखो जी। अरे भैया ये क्या दे दिया मुझे, देना था ये। सो गए? मैं तो सो लिया, नींद आ गई। फिर से हैप्पी बर्थडे, गुड नाइट। गुड नाइट गया वैसे। कल मिलते हैं सुबह कटरा के अंदर। जय माता की। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई है। आज हम संडे और यात्रा शुरू होगी, जम्मू से आगे निकल चुके हैं। अभी हम कटरा पहुंचने में केवल एक घंटे के आसपास हमें टाइम लगेगा। सभी लोग उठ चुके हैं, वॉशरूम वगैरह सबने यूज कर लिया। बाहर का व्यू देख रहे हैं, बड़े मजेदार है। देखिए धुंध छाई हुई है और तरुण जी भी हमारे साथ है। हाँ जी तरुण जी, कैसा रहा अभी तक का सफर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सफर रहा। आपके साथ सफर करके तो मजा ही अलग आ रहा है मुझे। नहीं नींद रात को मैं एक दो घंटे सोया था सर। मुझे इससे ज्यादा, इससे ज्यादा मुझे आपसे मिलने की खुशी है। काफी दिनों से जी यात्रा बिल्कुल साथ करेंगे। मौसम भी काफी अच्छा हो चुका है, बहुत बढ़िया हो चुका है। हाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। गुड मॉर्निंग, अब आ गए हम B6 में सुमित जी वाले अपार्टमेंट के अंदर। अंकुर जी यहीं पर बैठे हुए रात से, पता नहीं इनको यहाँ पे क्या मजा आ रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसा रहा सफर? गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया सफर रहा, मजा आया अल्टीमेट। हाँ जी मजा आया, नींद आ गई थी सही? नींद भी बहुत अच्छे से आई, जब खाना अच्छा मिला है तो नींद भी अच्छी आएगी। हमारे पास प्रिंस जी है। जी प्रिंस जी, हाँ जी, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, बताइए रात की यात्रा के बारे में कैसी रही? एकदम सुखद और मंगलमय। मंगलमय होगी, बढ़िया शुरू होगी यात्रा हमारी, मंगलमय भी करेंगे। सुमित जी भी गायब है कल से। जय माता की। भैया भैया बहुत अच्छी यात्रा रही, आराम से, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आराम तो भी कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, आपके साथ चल रहे हैं तो जब शुम फैमिली के साथ सारे मेंबर्स चल रहे हैं तो कोई परेशानी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जी भैया सुमित जी वैसे अपने आप ही हैंडल कर लेते हैं फिलहाल, इस जय माता की। तो हमारी ट्रेन पहुंच गई 8:20 पर कटरा रेलवे स्टेशन पर, और मैं रात के ही सोच रहा था कि नरसिंहगढ़ वाले लोग जो आ रहे हैं वो यात्रा शुरू करेंगे अपनी 9 बजे के आसपास, और एक घंटा पहले हमारी ट्रेन यहां पर पहुंच गई। और ये चमत्कार है माता रानी का, मैं सोचता हुआ आ रहा था और एक घंटा पहले ट्रेन हमारी यहां पर पहुंच गई। लेट ट्रेन तो हमने देखी कि 5-10 या 2-2 घंटे लेट पहुंच जाती है, लेकिन एक घंटा पहले ये ट्रेन पहुंची है। और ये देखिए जो मैं सोचा था वही हुआ, इसलिए कहते हैं हमेशा सच के साथ रहो, होगा वही जो आप चाहोगे। जय माता की। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय। ओह गोडाउन कर लिया है, अब हम बनाएंगे RFID कार्ड के लिए। RFID कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पर दो जगह है। सबसे पहले स्टेशन के ऊपर भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा, अगर आपको वहाँ पे लाइन कम मिलते तो लाइन में लग जाइए,
नहीं तो फिर हम चलेंगे कटरा चौक पर, वहाँ पर भी RFID कार्ड काउंटर है, या फिर त्रिकुटा भवन पे जहाँ पे हम देखते हैं। त्रिकुटा भवन की तरफ तो हमें जाना ही नहीं है, हम देखेंगे कटरा चौक से लेंगे अपना RFID कार्ड। ठीक है, तो चलते हैं कटरा चौक की तरफ। जय माता दी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप RFID कार्ड काउंटर की लाइन, जो आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर ही देखने को मिल जाती है। काफी ज्यादा लंबी लाइन तो यहाँ पर नहीं है, और यहाँ से एग्जिट का रास्ता देख रहे हैं। एग्जिट करने के बाद कुछ इस प्रकार का मौसम आज यहाँ पर बना हुआ है, धूप खिली हुई है, पूरा दिन इसी प्रकार से यहाँ पर आज धूप खिली रहने वाली है। सभी सुविधाएं बिल्कुल ठीक तरीके से मिलने वाली है, किसी भी सुविधा में कोई भी कमी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो पर हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर सुबह से ही चल रहे हैं, लगभग 8:30 बजे का टाइम है, हमारी ट्रेन टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच गई है। ये देखिए विजय द्वारे जी, जिन्होंने हमें आज धोखा दे दिया, बहुत बड़ा, बताइए धोखा दिया नहीं दिया? धोखा एक्सेप्टेड है। कौन है आपके पीछे? मैं नहीं, बाथरूम बिल्कुल ही। भक्तो दर्शन कर लो मैया के, मां अंबे की जय बोलो जगदम्बे।